माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित पुनः एक बार करना चाह रहा हूं कि ये जो इंसेफेलाइटिस के जापानी इंसेफेलाइटिस के जो रोग हैं, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, जैसा कि माननीय सदस्यों ने चर्चा किया, बिहार काफी प्रभावित है। महोदय, आज छोटी से आंकड़ा मैं बताऊं आपको कि बस 4 वर्षों में किस तरह से जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे मौत के गाल में जाते रहे। महोदय, 2011 में से प्रारंभ हुआ है, खासतौर पर 2011 में 821 मौत हो गया, 197, 2012 में 745 मौतें होंगे, 275, 2013 में 717 बीमार हुए बच्चे जिसमें 143, और 2014 में सबसे अधिक 847 बच्चे अफेक्टेड हुए जिसमें 159 बच्चों की मौत हो गई। मैं समझता हूं कि ये सरकारी आंकड़ा है, जिसके अनुसार मैं समझता हूं कि इससे कहीं अधिक बच्चों की मौत हुई है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, इतनी वेदना है। अभी बिहार में गए थे ये, और मुजफ्फरपुर में विशेष तौर पर उन बच्चों की जिससे मौत हो रही थी उसको जांच करने गए थे। स्वयं चूंकि डॉक्टर हैं, इनको जानकारी है, तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लगातार 4-5 वर्षों से इस तरह की घटना क्रम में बच्चों की जान जा रही है, और खासतौर पर छोटे बच्चे। बुखार आता है, सर दर्द होता है, कपकपी आता है, ये सिम्टम है उस बीमारी का, और बच्चा मर जाता है। वह कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी खुद देख के आए हैं, वो एक कृष्ण मेडिकल हॉल है, कृष्णा मेडिकल कॉलेज है, जो बिल्कुल अव्यवस्थित है, ना कोई वहाँ वेंटिलेशन है, ना आईसीयू है, कोई व्यवस्था विशेष व्यवस्था नहीं है। केंद्र की सरकार ने कुछ पैसा दिया है जिसकी वजह से वहाँ कोई व्यवस्था हो तो हो, तो वहाँ स्थिति नहीं है। वहाँ एक केजरीवाल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें बच्चों की जान बचाने के लिए, गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं आपके हॉस्पिटल की जो दुर्व्यवस्था है, मैं चुनौती देना चाह रहा हूं। पीएमसीएच जो बिहार का क्रीम हॉस्पिटल है, वहां पर अभी भी कार्टून, ये रुई नहीं मिलेगा, ऑपरेशन की सामग्री नहीं मिलेगी। भेड़ और बकरी की तरह हॉस्पिटल में व्यवस्था रहती है, और बच्चे तो लगता है कि कोई आदमी के बच्चे नहीं, जानवर के बच्चे भी उस तरह से नहीं इलाज करा पाएंगे। ये हालात है। अब उसकी चर्चा मत कीजिए, मैं इसको पोलिटिकलाइज मत कीजिए आप। तो ये वायरस है, और वायरस की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप गए थे, बयान भी दिया था सदन में कि हम चिंतित हैं, और एक विशेष टीम बनाने का सोच रहे हैं जो विशेषज्ञों का होगा। इसको विदेश से हम टीम बुला करके वायरस कैसे आता है, क्या आता है, इसकी जांच करेंगे, और इलाज का कोई ठोस उपाय करने का काम करें, क्योंकि इलाज का कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं हो सका है। और लगातार इस तरह की घटना, और सीजन तय है, और उसी इलाके में लोकलाइज है, जिस इलाके में खासतौर पर ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण का इलाका, ये सब ज्यादा अफेक्टेड होता है। और मैं बताऊं कि पटना शहर में भी, ये शहर और गांव दोनों स्तर पर ये बीमारी फैल रही है, और खासतौर पर ये संक्रामण रोग है। ये कहा जाता है कि मच्छर काटने से बच्चों बीमार पड़ते हैं, तो मच्छर गंदगी के वजह से फैलती है, वो गंदगी की सफाई नहीं होगी जब तक उस इलाके में, कहां से मच्छर उत्पन्न होता है, इसकी जांच करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार तो बिल्कुल विफल हो गई है लोगों की मौत के मुंह से बचाने में। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, आप निवेदन आपसे करना है कि विशेष टीम लगाइए, विशेष कोई योजना बनाइए बिहार के उन बच्चों को बचाने के लिए। और मैं समझता हूं कि उसके लिए आपको चाहिए कि एक सेंटर, उस इलाके में एक सेंटर खोलिए, वायरस रिसर्च सेंटर खोलिए, ताकि रिसर्च हो सके वायरस का, और इसको स्थापित करने का काम कीजिए। कोई विशेष तौर पर गांव-गांव में, शहर या गांव में आप शौचालय का उचित व्यवस्था कीजिए, पानी का उचित व्यवस्था कीजिए। ये सब आपके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से होगी। राज्य की सरकार के भरोसे अगर छोड़ दीजिएगा, जो छोड़ा हुआ अभी तक, तो बच्चे वहां के बचने वाले नहीं हैं। ये स्थिति बहुत ही भयावह है मंत्री महोदय। मैं समझता हूं कि बिहार के भविष्य बच्चों से जुड़ी है, और गरीब के बच्चे हैं, सब दलित पिछड़े जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों में ये होता है।
और मैं समझता हूं कि इसका कोई ठोस उपाय निकालना चाहिए ताकि बच्चे एक और निवेदन करेंगे, ये अपग्रेड करना चाहिए। आपने अभियान चलाया है, आपने कहा है कि हम हॉस्पिटल देंगे स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए, जो एक वहां लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए है, करोड़ की आबादी है और आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे लोग बसर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो जो मेडिकल कॉलेज अभी है, मेडिकल कॉलेज को ही अपग्रेडेशन अगर कर दिया जाए, पीएमसीएच में और सुविधा बढ़ाइए, वहां वेंटिलेटर नहीं है, एक एक वेंटिलेटर एक हॉस्पिटल में है, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, एक से दो ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू की ठीक से व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि ये भागलपुर का इलाका, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य ने कहा, भागलपुर मुजफ्फरपुर का हॉस्पिटल, पीएमसीएच, ये चार पांच जो हॉस्पिटल हैं उसको अपग्रेडेशन अगर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये रेकॉर्ड में आएंगे नहीं, राज्य सरकार पे है। हाँ, रामकृपाल जी, राज सरकार तो कोलैप्स हो गई है, आप उसी राज सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं, ये रेकॉर्ड पे नहीं आया। राज सरकार कोलैप्स हो गई है, राज सरकार के भरोसे बिहार का बच्चा नहीं बचने वाला है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इससे मैं निवेदन करूंगा, मैं समझता हूं कि बिहार में अराजकता की स्थिति है, बच्चे मुंह के मुंह में जाते रहेंगे और ये तमाशा देखते रहेंगे। इससे मेरा निवेदन है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको व्यवस्था